नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। आज मेरे साथ हैं मादा से आए जुगल किशोर। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जुगल किशोर द्वारा हमें कई बार फ़ोन किए गए कि ये अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। आज ये उधमपुर पहुंचे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर किस मुद्दे को लेकर ये बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। जुगल जी, आपका वीरा चैनल में स्वागत है। किस मुद्दे को लेकर बात करना चाहेंगे आप? रवि सर नमस्कार। तो सर, मैंने बात ये करनी थी कि डिपार्टमेंट ने मेरा लोन पास किया था, तो उन्होंने लिख के दिया था खुद स्टेट बैंक को। डिपार्टमेंट कौन सा था? पोल्ट्री और एनिमल वालों ने। अच्छा। 3 साल पहले 2019 में, तो बैंक वालों ने सर मेरे को 3 साल हो गए चक्कर कटवाते हुए, आ जाओ कल आ जाओ, तो मेरी फॉर्मेलिटी में उन्होंने पूरी ले ली। एफिडेविट 2-3 हज़ार के एफिडेविट लगाए। अभी वो लास्ट में बोलते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट जो थे इनकी डेट हो गई है, इनको न्यू करके लाओ। कितने साल से चक्कर काट रहे हैं? 3 साल से चक्कर काट रहा हूँ। 2019 में जो किए थे ये फार्म है, 2019 में इन्होंने फाइल मेरे को डिपार्टमेंट ने तैयार करके दी थी। डिपार्टमेंट ने मेरी मदद की, उन्होंने मेरे को फाइल तैयार करके दी, पर बैंक वालों ने मेरा लोन मेरे को नहीं मिला। तो 3 साल से सर मैं परेशान था। तो ये मैंने एक शेड बनाया था, तो लोगों से उधार ले लेके मैंने ये शेड बनाया था, तो बैंक वालों ने मेरी कोई मदद नहीं की। बैंक का कितना लोन लेना चाहते थे? 2 लाख रुपया मेरा लोन था जी। तो पिछले 3 साल से चक्कर काट रहे हो? 3 साल से सर मैं चक्कर काट रहा हूँ, और वो बोलते आ जा जाओ कल आ जाओ, उन्होंने लोन मेरे को नहीं दिया। एफिडेविट मेरे को 10-15 हज़ार रुपये मेरा खर्चा आया, चक्कर जो काटे उनको छोड़ के एफिडेविट लाओ, ये करो वो करो, पूरी फॉर्मेलिटी दी। ये स्टेट बैंक की ब्रांच कहाँ पे है? खुद में है? खुद में सर, ये जो ब्रांच है खुद में है। तो अधिकारी क्या कहते थे कि क्यों नहीं लोन दिया जा रहा है? वो यही बोलते हैं सर कि आ जाओ कल आओ, अभी लास्ट में बोलते हैं कि आपको नहीं मिलेगा, आपके कागजों की जो डेट थी वो ख़त्म हो गई है। हाँ जी, न्यू। तो ये फाइल थी मेरी, कोई जोड़ नहीं है। देखो फाइल ये 19 में मेरी फाइल की थी, मेरे को जमीन में जमीन की 10 कनाल जमीन की मेरे नकल भी साथ में लगाई हुई है। ये देखो, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही है सर, सरकार बोलती है कि जो बेरोजगार है काम अपना काम करो, लोन लो बैंक से, पर बैंक लोन देता नहीं है सर, बैंक परेशान कर देता है। देखिए, ये थे जुगल किशोर जी और ये मादा के रहने वाले हैं। ये पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते थे अपना, एनिमल पोल्ट्री विभाग की ओर से इनकी पूरी मदद की गई, इनकी पूरी फाइल तैयार की गई, और इनसे कहा गया कि बैंक से अब आपको लोन मिल सकता है। ज़मीन के कागजात लगाए गए हैं, सभी एफिडेविट वगैरह लगाए गए हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि 3 साल से ये चक्कर काट रहे हैं, 10-15 हज़ार रुपया खर्च कर चुके हैं, 2 लाख रुपया लोन है, सिर्फ 2 लाख रुपया। स्टेट बैंक की ये ब्रांच खुद में बनी हुई है, सिर्फ इनसे ये कहा जाता था कि कल आइए आप, परसों आइए आप, ऐसे कहकर 3 साल गुजर गए। अब इन्हें यह कहा जा रहा है कि आपके कागजात पुराने हो गए हैं, इनकी डेट हो चुकी है, न्यू करवाइए इन्हें। एक तरफ सरकार कहती है कि बेरोजगारों को रोज़गार दिया जाएगा, बैंक लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो स्टेट बैंक किस तरह से ये चक्कर कटवाता है। आखिर इन्हें क्यों नहीं बताया जा रहा कि इसमें क्या कमी थी? इनका कहना था कि जब अधिकारियों से बात होती वो कहते हैं कमी कोई नहीं है, लेकिन आप कल आइए। मादा से ये आते हैं, मादा से ये खुद पहुंचते हैं, और खुद में आकर ये कहा जाता है और वापस घर चले जाते हैं। पोल्ट्री फार्म पूरा तैयार किया गया, आखिर उस पर भी पैसे खर्च किए गए हैं। इनका कहना था कि वो लोगों से उधार लिए गए हैं, वो उधार भी हुआ 10-15 हज़ार रुपया और जो खर्च किया गया, कागजात पर खर्च किए गए, और फिर देखिए तो लोन इन बेरोज़गारों को नहीं मिल रहा है। सरकार तो कहती है, सरकार द्वारा कई स्कीमें जारी की जाती हैं, सरकार सब कुछ कर रही है, लेकिन आगे जो अधिकारी रहते हैं शायद वो कुछ क्या चाहते हैं क्या नहीं, कि आखिर लोन क्यों नहीं दिया जाता। ज़मीन के कागजात हैं, 10 कनाल ज़मीन के कागजात लगाए गए हैं, आखिर में क्या कहना चाहेंगे सरकार? सर यही बात है कि सरकार तो बोलती है पर जो आगे बैंक अधिकारी हैं वो कुछ नहीं करते हैं सर। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं कि किसी बड़े? यही है, मैं उधमपुर अपने डीसी मैम से ही पूछना चाहता हूँ, गवर्नर साहब से यही पूछना चाहता हूँ कि ऐसे जो बैंक मैनेजर हैं वो ऐसे क्यों करते हैं, क्यों गरीब लोगों को परेशान करते हैं वो, मैं यही बोलना चाहता हूँ सर। आपने देखा कि किस तरह से ये बात रख रहे हैं अपनी, कि मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आखिर गरीब लोगों को तंग क्यों किया जाता है, उधमपुर डीसी मैम से भी और एलजी महोदय से भी, कि आखिर कहा जाता है कि लोन दिया जाएगा, लोन कोई ज़्यादा नहीं है, 2 लाख का लोन है, सिर्फ 3 साल से चक्कर काट रहे हैं। अब देखना ये है कि स्टेट बैंक कब अपनी आंखें खोलता है और इनके कागजातों को चेक करके, और कब इन्हें लोन दिया जाता है,
कैमरामैन रवि के साथ रवि सिंह वीरा, चैनल उधमपुर।